शांति। आज की तारीख है 24/10/14 और आज है दीपावली के पश्चात का नए वर्ष का नया दिन, अर्थात लक्ष्मी पूजन के दिन पर सभी अपने पुराने हिसाब किताब को पूरा करते हैं चौपड़ा पूजन करके, और नए साल का नए चौपड़े का भी पूजन करके और उसका श्री गणेशाय करते हैं, अर्थात नया खाता अपना प्रारंभ करते हैं। और नया साल होने के कारण सभी एक दो के पास जाकर नए साल की शुभकामनाओं की, शुभ भावनाओं की लेन देन भी करते और सारे वर्ष में की हुई जो भी भूले हो, आपस में एक दो का मन मुटाव या मन दुख हुआ हो तो उसकी क्षमा याचना भी कर लेते हैं। तो आज है नए साल का दिन, तो आप सभी को नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो और नए वर्ष की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और ढेर सारी आप सभी के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। तो आज मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आया है तुम्हें गुलगुल यानी फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहे और देते रहो। प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर है, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर, अपनी जीवा पर, जीभ पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहां तक हम गुल गुल फूल बने हैं। धारणा के लिए मुख्य दो बिंदु, नंबर एक बिंदु है बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है, गुणवान बन सबको सुख देना है, पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। नंबर दो है विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है, सहनशील बनना है, कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी है। वरदान है आज का, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मीठे मीठे बाप दादा आगे कहते हैं कि संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सोहेज है। यानी जैसे पर्व को मनाना होता है ऐसे ये मनाने का युग है, खूब मनाओ लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ, बाबा के साथ मिलके मनाओ, बाबा को साथ में रखते हुए मनाएं। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं लेकिन मन मना भव होकर मनोरंजन मनाओ, अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो, पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन ये रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को देखो
और बाप को देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।